आज हम आपको दिखाते हैं जी लेज़र मशीन। ये है जी लेज़र मशीन, ठीक है। ये लेज़र मशीन है, इसके साथ जो है ना होता है कि आपको हम दिखाते हैं चीज़, लेज़र दिखाते हैं। बस आपने देखना है कि ये लेज़र कैसा है। ये देखिए, ये लेज़र है। ये लेज़र का कमाल है कि इसके साथ होता ये है कि जब इसके नीचे हम कोई भी आइटम रखते हैं ना, प्रोडक्ट रखते हैं कोई भी, ठीक है, ये उसके ऊपर लेज़र के साथ ये जो है ना वो प्रिंट करता है, ठीक है। अभी इसको फिट करना पड़ेगा, इसको फिट कैसे करना है, ये फिट हो रहा है, ठीक है। ये लेज़र का काम होता है इसके साथ जो है ना आइटम को प्रिंट करना। ये हमारे पास लेज़र मशीन है, ठीक है, ये लेज़र मशीन है। ये जो लेज़र मशीन है इसका काम पता है क्या है, ये आपको एक स्टैंप नज़र आ रही होगी, ये स्टैंप जो है ना इस लेज़र मशीन का यही काम है कि ये स्टैंप लगाना। ये स्टैंप इसके अंदर जो है ना अंदर वाली साइड पे ये प्रिंट होती है। ये नॉर्मल नहीं, ये ऐसे करने से या इतनी जल्दी इसको जो है ना किसी केमिकल वगैरह से ये रिमूव नहीं होती। इसको यहाँ तो ये दोबारा इसको रगड़ा लगाना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद ये रिमूव होती है। इस लेज़र मशीन का ये काम है। इसके साथ इसका आप जो है ना वो कर सकते हैं, लेवल जो है ना आगे पीछे कर सकते हैं, आगे करना है पीछे करना है, इधर रखना है इधर रखना है इधर रखना है, वो अलग अलग आइटम्स होती हैं उनको फिर इसके साथ जो है ना वो लेज़र मशीन के साथ जो है ना उसके ऊपर मोहर लगाई जाती है। क्योंकि ये चाइना से आती है ये लेज़र मशीन है, इसका आपने लेज़र भी देखा है, ठीक है। किसी भी जो है ना किस्म का इसके साथ हम जो है ना वो प्रिंट कर सकते हैं। छोटी सी मशीन है, बस इसका जो नीचे बॉक्स है ये इसका बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बॉक्स है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसका एक सिस्टम है जैसे एक कंप्यूटर होता है, तो ये सारा उसके साथ कनेक्ट होता है, तो ये इसका काम है।